दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, जहां हमारे सोलर सिस्टम की तरह लाखों सूरज और अनगिनत प्लैनेट्स हैं। तो तैयार हो जाओ मेरे साथ एक रोमांचक एपिसोड में चलने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आकाशगंगा। हमारी घरेलू आकाशगंगा एक विशाल और आकर्षक ब्रह्मांडीय इकाई है जो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष व्यास में फैली हुई है, जिसमें सैकड़ों अरब तारे, तारकीय अवशेष, गैस, धूल और रहस्यमय काले पदार्थ शामिल हैं। इसका नाम रात के आकाश में एक धुंधली दूधिया पट्टी के रूप में दिखाई देने के कारण पड़ा, एक ऐसा दृश्य जिसने सहस्राब्दियों से मनुष्यों को मोहित कर रखा है। इस विशाल संरचना के भीतर, इसकी सर्पिल भुजाओं के बीच स्थित हमारा सौर मंडल, हमारे सूर्य और उसके ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के परिवार के साथ स्थित है। आकाशगंगा के केंद्र में सेजिटेरियस ए नामक एक अतिविशाल ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक है। यह एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उत्पन्न करता है, जो इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सितारों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति को प्रभावित करता है। अपने विशाल द्रव्यमान के बावजूद धनु अपेक्षाकृत शांत है। केवल कभी भार ही ऊर्जा का विस्फोट उत्सर्जित करता है, क्योंकि यह पास के पदार्थ को निगल जाता है। आकाशगंगा को एक विशिष्ट सर्पिल संरचना में व्यवस्थित किया गया। यहाँ हमारे सौर मंडल के तारे, गैस और धूल की विशाल भुजाओं की विशेषता है, जो आकाशगंगा के केंद्र से बाहर की ओर सर्पिल होती हैं। ये भुजाएं गहन तारा निर्माण के क्षेत्र हैं, जहाँ गैस और धूल के विशाल बादल अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहकर नए तारे बनाते हैं। इन सर्पिल भुजाओं में सबसे प्रमुख ओरियन आम है, जो हमारे सौर मंडल और कई अन्य तारा प्रणालियों का घर है। आकाशगंगा में तारे आकार, रंग और उम्र की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं। विशाल चमकदार नीले दिग्गजों से लेकर छोटे मंद लाल बौनों तक, आकाशगंगा तारकीय वस्तुओं की एक विविध आबादी की मेजबानी करती है। ये तारे पैदा होते हैं, विकसित होते हैं और अंततः मर जाते हैं, जिससे आकाशगंगा परमाणु सम्मिलन के माध्यम से अपने कोर में बने भारी तत्वों से समृद्ध होती है। आकाशगंगा के भीतर का अंतरतारकीय स्थान खाली नहीं है, बल्कि गैस और धूल के फैले हुए बादलों से भरा है, जिसे अंतरतारकीय माध्यम के रूप में जाना जाता है। ये बादल तारे के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं और आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बादलों के भीतर जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो ग्रहों और जीवन के उत्पादन के लिए जरूरी अणुओं को जन्म देती हैं। आकाशगंगा में पल्सर, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल जैसी विभिन्न विदेशी वस्तुओं का भी घर है। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, जो विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें प्रकाश की नियमित दालों के रूप में पहचाना जा सकता है। न्यूट्रॉन तारे उन विशाल तारों के अवशेष हैं, जिनमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, जो सूर्य के द्रव्यमान को कुछ किलोमीटर व्यास वाले एक गोले में समेट देता है। ब्रह्मांडीय पिंडों में सबसे रहस्यमय ब्लैक होल अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। डार्क मैटर एक अदृश्य और रहस्यमय पदार्थ, जो प्रकाश को उत्सर्जित, अवशोषित या प्रतिबिंबित नहीं करता है, आकाशगंगा में अधिकांश द्रव्यमान का गठन करता है। इसकी उपस्थिति का अनुमान सितारों और गैस जैसे दृश्यमान पदार्थों पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जाता है। दशकों के शोध के बावजूद डार्क मैटर की वास्तविक प्रकृति खगोल भौतिकी में सबसे गहरे रहस्यों में से एक बनी हुई है। आकाशगंगा ब्रह्मांड में अकेली नहीं है, बल्कि आकाशगंगाओं के एक अंश है। ये बड़ा ब्रह्मांडीय जाल है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है और अंतरिक्षमय के कपड़ों के साथ विस्तारित हो रहा है। आकाशगंगाओं के समूह और सुपरक्लस्टर विशाल ब्रह्मांडीय परिदृश्य को आबाद करते हैं, जिससे जटिल संरचनाएं बनती हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई हैं। अब तक के अध्ययन और खगोल विज्ञान में आकाशगंगा के बारे में हमारी समझ में काफी वृद्धि हुई है। जमीन और अंतरिक्ष दोनों पर दूरबीनों ने दूर के तारों, निहारिकाओं और आकाशगंगाओं की विस्तृत छवियां और स्पेक्ट्रा प्रदान की है, जिससे खगोलविदों को आकाशगंगा प्रणालियों की जटिल गतिशीलता को जानने की अनुमति मिली है। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ने इन अवलोकनों को पूरक बनाया है, जो ब्रह्मांडीय समय में आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम आकाशगंगा की खोज और अध्ययन करते हैं, हम नए रहस्यों को उजागर करते हैं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करते हैं। आकाशगंगा ब्रह्मांड को आकार देने वाली घने आणविक बादलों से तारों के जन्म तक और आकाशगंगाओं के प्रलयंकारी टकराव तक का सफर है। ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाता है, हमारे आकाशगंगा द्वार से परे मौजूद विशाल अज्ञात के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा को उत्तेजित करता है।